अम्बाई बुजुर्ग कड़ा कौशाम्बी उत्तर प्रदेश की घटना है, जहां लगभग 200 से अधिक दलित परिवार के लोग रहते हैं, जिनके बीच में एक हैंडपंप लगा हुआ है जो सार्वजनिक है, लेकिन वो हैंडपंप 4 महीने से खराब होने के कारण लोगों को ये गंदा पानी भी देता है, और जिसके गंदा पानी पीने के जरिए से प्रभावती है, पार्वती हैं, दिलीप हैं, और इनके अलावा भी तमाम बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जिनको पानी पीने के जरिए से तमाम प्रकार की पेट की समस्या हो रही है। मेरा नाम दिलीप कुमार, हमारा नलका लगभग 4 महीने से गंदा पानी दे रहा है। गंदा पानी के पीने की वजह से तमाम तरीके की बीमारियां हैं। अगर ये नलका बन जाए तो हमारी दिक्कतें हल हो सकती हैं। हमारा नाम आरती देवी, हमारे हैंडपंप से गंदा पानी निकलता है, हम गंदा पानी पीते हैं तो पेट में तकलीफ हो जाता है। गंदे आए दिन कपड़ा पहनते, गंदे पानी से कपड़ा नहीं धो पाते। मेरा नाम करण सिंह है, ग्राम प्रधान अम्बाई बुजुर्ग कड़ा कौशाम्बी। अभी वीडियो वॉलंटियर महेश जी ने बताया कि इनके समुदाय में हैंडपंप खराब है, और मैं अभी कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द हैंडपंप बनवा दूं, जिससे मतलब लोगों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। मैं महेश कुमार ये चाहता हूं इस ग्राम सभा में जो दलित परिवार के लोग हैं, इनके बीच में जो हैंडपंप लगा हुआ है वो हैंडपंप ठीक हो, और जिससे इनको जो तमाम प्रकार की बीमारियां हो रही हैं इनसे ये लोग बच सके। मैं देखने वाले सभी वीडियो दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि करण ग्राम प्रधान का नाम है करण सिंह यादव, इनका नंबर है 8756-8826-67, इस नंबर पर कॉल कर दबाव बनाने में आप लोग हमारी मदद करें। मैं महेश कुमार, अम्बाई बुजुर्ग, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।